नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं अभी कर्नाटक जा रहा था और उसमें रास्ते में सहारनपुर में रुका हूँ। एक ही छोटा मेरा साथी है, इससे मैं मिला और मैं इससे कुछ बातचीत करता हूँ और जो आप भी सुनना और समझना इसकी दर्द को, इसकी बातों को समझना। तो आपका नाम क्या है? कहाँ से रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र से। यहाँ कब आए? दो दिन हो गया, 10-16 चार एक साल हो गए। तो क्या करते हो आप? अच्छा, कहाँ पे? आसपास? आसपास ही रहते हैं। और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? और क्या बोलते हैं, स्कूल नहीं जाते आप? क्यों? पहले जाते थे। अच्छा, और घर कहाँ है आपका? घर स्टेशन पे। तो पुलिस वाले भगाते नीचे बैठ जाते उधर एक पैर। अच्छा, तो आप भी जॉब करते हो, नौकरी करते हो? क्या करते हो? जैसे कबाड़ बिलते हो। तो कितना मिल जाता है आपको कबाड़ का? वही तो 300 रुपए। फिर क्या करते हो आप उस पैसे का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके हाथ में रुमाल देखा था, आप झूठ मत बोलना। देखो आपके पास रुमाल था ना, क्या करते हैं आप उस रुमाल से? सूंघते हैं या दूसरे का दे दे के सीखते हैं। कहाँ से सीखा ये? मेरे से या दूसरा पी लेते हैं। और कितना टाइम हो गया आपको सूंघते हुए? तीन महीना हो गया। और मतलब उसमें आप क्या ट्यूब लेते हो? रुमाल दिखाओगे? अपना रुमाल दिखाओगे? दिखाइए। इसके अंदर आप क्या करते हैं, सोलूशन डालते हैं, उसके बाद उसको सूंघते हैं। तो दिन में कितनी बार सूंघ लेते हो आप? ऐसे एक बार। एक डब्बा खत्म हो जाता है? एक डब्बा नहीं। अच्छा, ट्यूब मिलती है। उस ट्यूब को क्या करते हो आप? सूंघते हो उसको, उसमें डाल के। तो नशा नहीं होता आपको इससे? तो क्यों करते हो फिर ये सब? जैसे को शौक पड़ जाता है। तो शौक पड़ गया आपको, दूसरे का दर्द के सीख जाता। और आपके दोस्त लोग वो भी करते हैं? आपके पापा? वो तो अलग रहते हैं। पापा मम्मी को पता है आपको क्या आप ये करते हो? वो तो पता है, पर समझते नहीं। आप दूसरे को दर्द के लाल चुपड़ी। आप तो छोटे से बच्चों, आपको सब पता है, फिर भी उसके बावजूद भी आप क्यों करते हो ये सब चीज? दूसरे का दिमाग सीख गया ऐसे में। उसको छोड़ दे सकते हो ना? कैसे छोड़ोगे? धीरे 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 छोड़ोगे? छोड़ दोगे पक्का? क्या गारंटी आप छोड़ दोगे इसको? देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो काफी लोग, काफी दोस्त लोग देखेंगे मेरे, काफी फ्रेंड्स देखेंगे। तो क्या मैं उनको बोलूँ कि आप सब चीज छोड़ दोगे? पक्का? गारंटी? और छोड़ने का क्या लेंगे आप? 200 रुपए लेंगे? और फिर आपने नहीं छोड़ा तब? नहीं छोड़ूंगा। 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास देने के लिए। कुछ जरूर दूंगा मैं आपको पैसा, लेकिन इतना तो नहीं है मेरे पास। तो एक बार बताइए, अब उसके बाद आप फिर चले जाएंगे दुकान पे, तब क्या करेंगे? हाँ, कैसे भरोसा करूँ मैं आपका? भरोसा हम तो अपने पिएंगे, आप समझाते? आप 2-3 महीने से पीते, आप तो नहीं पिएंगे। उससे तुम्हारा सेहत भी तो खराब होगा ना। आप देखा नहीं आप लोग रोड में बीमार पड़ रहते हैं, कोई खांस रहा होता है, किसी को नशा होता है, फिर धीरे धीरे करके आप इसके, अगर सपोज आप कमाने गए, ठीक है, और आपको पैसे नहीं, सुनो, आप कमाने गए और उसके बाद क्या हुआ, आप कमा नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है और आपको सुलोचन चाहिए, तो आप क्या करोगे? मम्मी से पैसा मांगोगे, पापा से पैसा मांगोगे। वहां से पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ ऐसे काम करोगे, गलत काम करोगे, जिससे आपको सुलोचन की जरूरत पड़ेगी। अभी तो आप दिन में एक बार कर रहे हो, अब जैसे जैसे धीरे आपकी आदत पड़ेगी, आप दिन भर ही वो करते रहोगे, तो इस चीज से बचना तो पड़ेगा ना आपको, कि आपको भी छोटे से वो बहुत लाइफ जीनी है। तो आसपास जो ये स्कूल होते हैं नगर निगम वाले, वहां क्यों जाते हो पढ़ने के लिए? ठिकाना ही नहीं है। कैसे रहते रोड, कैसे मौसम के रहते हैं? अच्छा, चलो उस पर देखते हैं। साथी जो वीडियो यहाँ देख रहा है, मैं सहारनपुर बस रेलवे स्टेशन पे हूँ अभी यहाँ पे। अगर कोई यहाँ का लोकल है और जो चाहता है कि इनकी पढ़ाई पूरी हो और ये स्कूल जाएं, तो कुछ ऐसा करिए इनके लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ का लोकल नहीं हूँ। अगर मैं होता तो शायद कुछ करता या कुछ करने की कोशिश करता, बट ये मेरा छोटा साथी है, इसकी कोई गलती नहीं है। इसमें जैसा समाज होता है वैसे ही आप बन जाते हैं। बट आप मेरे से हाथ मिलाइए और बोलिए कि आज के बाद में से कभी नहीं पीऊंगा। आज के बाद कभी? दोबारा बोलिए, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, इससे मैंने पक्का ना लॉक कर दिया जाए, ठीक है? तो साथियों, अब ये बच्चा कह तो रहा है कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा,
और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको समझने की जरूरत है, जिनको समझाने की जरूरत है। और अगर वाकई में अगर ये बच्चा छोड़ता है तो ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते करिए, थैंक यू।